मैं सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं रिलेशन बिटवीन एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स पे चर्चाएं करेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और इसके बीच में क्या रिलेशन है, इस पे चर्चाएं करेंगे, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, इससे पहले एडजॉइंट निकालने से पहले मैं आप लोगों को माइनर, कोफैक्टर, ट्रांसपोज के बारे में बता देते हैं। माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, उसके बाद बताएंगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ए माइनर इज डिफाइंड एज द वैल्यू कंप्यूट फ्रॉम द डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेंड आफ्टर क्रॉसिंग आउट ए रो एंड ए कॉलम्स करस्पोंडिंग टू द एलिमेंट्स डैट इज कंसीडर अनसीड माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑब्टेंड बाय द डिलीटिंग इट्स आईथ रो एंड जेथ कॉलम्स इन विच एलिमेंट्स ए आई जे लाइज माइनर ऑफ द एलिमेंट्स ए आई जे इज द डिनोटेड बाई कैपिटल एम आई जे। देखिए, माइनर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम आई जे। किसी भी एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे, कोई एलिमेंट की मैं पोजिशन मान लूँ, जैसे मैंने मान ली ए वन टू, मतलब पहली रो दूसरी कॉलम, तो हम जो भी मैट्रिक्स दी होगी सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी का हम माइनर कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक, एलिमेंट हो गया, पोजीशन क्या हो गई ए वन टू। अब देखिए, पहली रो मतलब ए वन टू है, पहला रो को डिनोट किया जाता है दूसरा कॉलम को, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो जो है उसको एलिमिनेट कर देना है और दूसरी कॉलम को एलिमिनेट कर देना है। उसके बाद जो भी एलिमेंट बचे हैं उन एलिमेंट की हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे, जो वैल्यू होगी वही मेरा क्या होगा, माइनर ऑफ द एलिमेंट, उसको डिनोट करेंगे आई जे। इसी प्रकार मैंने मान लिया टू वन है एलिमेंट ए, टू वन का हो गया मतलब दूसरी रो पहली कॉलम। ठीक, दूसरी रो को मैं पूरा एलिमिनेट कर दूंगा, पहली कॉलम को एलिमिनेट कर दूंगा, उसके बाद जो एलिमेंट बचेंगे उसकी हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ द एलिमेंट्स ए टू वन, इसको डिनोट करेंगे एम टू वन से डिनोट कर देंगे। इसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ द डिटरमिनेंट, कोफैक्टर क्या होंगे, द कोफैक्टर इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ माइनर कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ए आई जे डिनोटेड बाई कैपिटल ए आई जे इज डिफाइंड बाई ए आई जे इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे कैपिटल एम आई जे। देखिए, यहाँ पे माइनस वन आई जे, जो भी माइनर निकालेंगे, एम क्या है, माइनर है, उसकी आई जे एलिमेंट पोजीशन, उस एलिमेंट की क्या पोजीशन है, उसकी माइनस वन के ऊपर पावर आई जे का प्लस कर देंगे। जैसे मैंने माइनर निकाला, टू वन का माइनर निकाला, तो उसका आई की वैल्यू क्या हो गई, टू हो गई, जे की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, दोनों को आपस में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, टू वन थ्री हो गया, माइनस वन की पावर थ्री, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कंडीशन में क्या आ जाएगा, जो भी मेरा कोफैक्टर होगा वो निगेटिव होगा। इसी प्रकार पोजिशन मेरी क्या है, थ्री वन है पोजिशन, माइनर क्या है, थ्री वन, आई का मतलब थ्री, जे का मतलब वन, थ्री वन फोर हुआ, माइनस वन की पावर फोर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसी प्रकार एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ए गिवेन स्क्वायर मैट्रिक्स ए द
the transpose of matrix of cofactor of A is called adjoint of A. देखिए adjoint क्या होता है, जो मैंने cofactor निकाले हैं उस matrix के, जो भी determinant दिया है उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। जो ट्रांसपोज वैल्यू होती है कोफैक्टर की, वही मेरी क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट ऑफ ए, इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ए। एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एडजेट मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स एक मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मुझे निकालना है, तो इसके हम पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे। जैसे एडजॉइंट ए कोफैक्टर वन वन, वन टू, टू वन, टू टू, ये हो गए। उसका मैंने कोफैक्टर निकाले, उसका ट्रांसपोज कर दिया, मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई, उसको मैंने सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार जनरल टर्म हो, एड जॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन, मतलब मैंने इससे पहले ही बताया कि एड जॉइंट मैट्रिक्स उसी का हम निकालेंगे जो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ऑर्डर और कॉलम आपस में सेम होने चाहिए। इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे, कैपिटल ए आई जे एन क्रॉस एन, वेयर ए कैपिटल ए आई जे इज द कोएफिशिएंट ऑफ एलिमेंट ए आई जे, स्मॉल ए आई जे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिफाइंड एज एडजॉइंट ए, देखिए यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स है एन ऑर्डर एन की बात कर रहे हैं, इससे पहले मैंने जो मैट्रिक्स बात की वो टू ऑर्डर की थी, यहाँ पे एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालें, ए वन वन, ए वन टू, ए ए एन का सबका एडजॉइंट निकाल लेंगे। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, जैसा कि लिखा है उनको कोफैक्टर को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, देखिए पहली प्रॉपर्टी है द ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स है उसको ट्रांसपोज कराएं और उसके बाद अगेन फिर ट्रांसपोज कर देते हैं तो मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। द ट्रांसपोज ऑफ द एडजॉइंट एडिंग ऑफ टू मैट्रिक्स इज सिमिलर टू द सम ऑफ देयर ट्रांसपोज। इसमें कहता है कि दो मैट्रिक्स का हम एडिशन करते हैं, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं, वो इक्वल होगा पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें उसके बाद उसका एडिशन करें, आपस में इक्वल होगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। व्हेन ए स्केलर मैट्रिक्स इज बीइंग मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर इज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इट सेल्फ। यस ए ट्रांसपोज कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पे यस क्या है, तुम्हारा एक स्केलर वैल्यूस है उसकी मैंने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, वो ट्रांसपोज मेरा इक्वल होगा, ट्रांसपोज पहले मैट्रिक्स कर दें और स्केलर की मल्टीप्लाई करें उसके बराबर होगा। अगली प्रॉपर्टी है द ट्रांसपोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज सिमिलर टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर ट्रांसपोज इज द रिवर्स ऑर्डर। जैसे कि मैंने दो मैट्रिक्स का है उसका प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया, वो ट्रांसपोज इनका रिवर्स ऑर्डर, आपस में ऑर्डर चेंज कर दें, ए बी बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज के बराबर होगा, रिवर्स ऑर्डर के बराबर होगा। ये सम प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं मैट्रिक्स में सॉल्व करने के लिए। इसी के अंतर्गत मैंने अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इनवर्स, एडजॉइंट निकालना मालूम हो गया, अब उसकी प्रॉपर्टी मालूम हो गई, अब उसका इनवर्स क्या निकालेंगे और क्या आपस में रिलेशन है। टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी सेल फर्स्ट डिफाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, पहले एडजॉइंट निकालेंगे, लेट ए बी एन बाई एन मैट्रिक्स, देन ए आई जे कोफिशिएंट ऑफ ए डिफाइंड बाई टू बी,
aij equal to minus ij determinant of mij. मैंने इससे पहले बताया कि जो मेरे माइनर होंगे उनकी माइनर की वैल्यू निकाल लेंगे. aij यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है, उसको मैं सॉल्व कर लूँगा. वेयर कैपिटल mij इज द ijth माइनर मैट्रिक्स ऑब्टेंड फ्रॉम ए आफ्टर रिमूविंग द ith रो एंड jth कॉलम्स. द लेट कंसीडर द n by n n क्रॉस n मैट्रिक्स A एडजॉइंट A इज डिफाइंड बाय द n by n मैट्रिक्स एडजॉइंट A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ द कोवेक्टर. द मैट्रिक्स एडजॉइंट A इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A एंड A इनवर्सली इनवर्सिबल, देन द इनवर्स कैन बी ऑब्टेंड बाय द फार्मूला इज गिवन बिलो. A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मोड A. मोड A का मतलब है जो भी मेरा डिटरमिनेंट दिया है उसको क्या करेंगे, जो भी मेरी मैट्रिक्स दी उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे, और एडजॉइंट मैट्रिक्स है उसमें A से जो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू आई उससे डिवाइड कर देंगे, उस मैट्रिक्स की मेरी क्या आ जाएगी, इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगी. देखिए लेकिन यहाँ पे मैंने उस मैट्रिक्स को जो भी है उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद डिटरमिनेंट मेरा जीरो आ गया. यदि मोड ए की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, तो उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स मैट्रिक्स नहीं फाइंड कर पाएंगे. जो भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है तो उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं सॉल्व कर सकते हैं. इसी की सहायता से हम इनवर्स, कोई भी एलिमेंट दिया है उसको एलिमेंट का हम, कोई मैट्रिक्स दी है उसका हम इनवर्स निकाल लेंगे. देखिए ये एक प्रॉपर्टी, एक टाइप हो गया इनवर्स निकालने का एडजॉइंट की सहायता से. यहीं से एक रिलेशन बन के आ गया एडजॉइंट और इनवर्स. मैट्रिक्स ए पावर माइनस वन इनवर्स हो गई, वो मेरा इक्वल होगा एडजॉइंट ए अपन मोड ए के बराबर होगा. ये रिलेशन एक निकल के आ गया. ठीक, और एलिमेंट्री ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी से भी हम कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकालते हैं, उस एलिमेंट को इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालते हैं. जैसे कि मेरी ए मैट्रिक्स है, इसको मुझे क्या करना है, इनवर्स निकालना है, तो मुझे क्या होगा, ए आइडेंटिटी इक्वल टू ए. यहाँ पे जो भी ए मैट्रिक्स है उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे ए इनवर्स में, और बाई सम प्रॉपर्टी रूल की